सब्सक्राइब कीजिए विनय कुमार गुरु चैनल को, साथ में बेल आइकन भी दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो के अंदर। पहले तो मैं बता दूं कि जो वीडियो है ये NYKS वाले बच्चों के लिए नहीं है। आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ही आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है गाइज। तो यार सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा कि यार जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी जिसके अंदर मैंने इंश्योरेंस बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, वो कुछ क्वेश्चन जो इसमें मिस्टेक हो गई थी, जैसे कि जो चेयरमैन है LIC के वो हेमंत भार्गव नहीं है, वो MR कुमार है। तो यार मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो यार वो मिस्टेक के लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूँ यार, और प्लीज़ यार उस मिस्टेक को इम्प्रूव कर लेना। उसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन गलत है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है गाइस, ताकि आपका कोई इसमें नुकसान ना हो, ठीक है। क्योंकि यार गलती देखो हो जाती है, क्योंकि मैंने भी जहाँ से डाटा जो है कलेक्ट किया था तो उसके अंदर भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी, ये पुरानी इन्फॉर्मेशन थी, तो उस चक्कर में थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से हो गई है। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम ऐसी मिस्टेक जो है बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है गाइज। तो यार उसके लिए मैं पहले आपसे सॉरी मांगता हूँ कि इस वीडियो को यार अगर आपको मतलब कि अगर आप वीडियो को देखेंगे इसको तो आपको बस 2-3 क्वेश्चन जो है इसमें मिस्टेक दिखेगी, बाकी क्वेश्चन उसके अंदर एक्यूरेट है, ठीक है। तो यार बस हो जाती है मिस्टेक, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी सॉरी कहता हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो के बारे में चलो हम बात करते हैं। आज की वीडियो के अंदर आपको कसम से मज़ा आ जाएगा। आज की वीडियो जो मैंने बनाई है इसके अंदर मैंने आपके सारे इंश्योरेंस बेस्ड क्वेश्चन जो है इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। चाहे आप एम्प्लॉय हो, चाहे आप एजेंट हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और ये वीडियो को आप तीनों जो हैं देख सकते हैं, इसके अंदर सारी चीज़ मैंने इंक्लूड की है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये अभी 25 क्वेश्चन आए हैं, ऐसे ही 25-25 क्वेश्चन आते रहेंगे, यानी कि मैं एक दो दिन में 25-25 क्वेश्चन के सेट्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है गाइज। तो बस यही है, आज की वीडियो को यार लाइक करना बिल्कुल मत भूलना यार। और आज का हम एम रखते हैं, लास्ट टाइम जो मैंने एम रखा था यार मतलब कि कमाल कर दिया तुमने, मैंने 40 बोला था और तुमने मुझे कितना दिया, 45 से भी ऊपर जो मुझे लाइक मिल गए हैं, तो यार उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वीडियो के अंदर एम करते हैं कि यार आप मुझे 60 लाइक तो दे ही दोगे, वैसे पूरे तो होने नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, बोलने में क्या जा रहा है। तो चलिए यार आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस पहला क्वेश्चन है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2008 के अंदर। यह भारतीय समूह और एक्सा व्यापार समूह के बीच का संयुक्त उद्गम है। देखो गाइस मैं एक एक इन्फॉर्मेशन को आपको पूरी डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो जो है ज़्यादा लंबी बन जाएगी और फिर मुझे लोग कमेंट करके बोलेंगे कि पैसों के लिए वीडियो लंबी बना देता है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ठीक है, मैं यहाँ पर पैसे कमाने बिल्कुल नहीं आया हूँ। सबसे पहले देखते हैं इसका स्लोगन क्या है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का स्लोगन इसका है, इसका स्लोगन है विद अस यू आर श्योर, ठीक है, इसका ये स्लोगन है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो हुई थी 2001 में, किसकी, SBI लाइफ इंश्योरेंस की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई के अंदर है। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और SBI और BNP परिवार के बीच संयुक्त उद्गम है। संयुक्त उद्गम का मतलब होता है कि जॉइंट वेंचर, ठीक है, यानी कि इनका जो है आपस में रिले मतलब कि संबंध है। ये जो कंपनीज हैं ये आपस में मतलब जुड़ी हुई है, इनका आधा हिस्सा एक दूसरे के साथ है, ठीक है, इनका मतलब आपस में विलय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 एलिमेंट्स यूज्ड इन मार्केटिंग मिक्स, तो इसका है पहले प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस। ये आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी पेपर में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन से 7 एलिमेंट, निम्न में से कौन सा मार्केटिंग का एलिमेंट है, ठीक है, और क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको ये 7 जो है ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटक लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंधक निदेशक यानी कि डायरेक्टर ऑफ मैनेजर कौन है, तो वो है जी मुरलीधर। दिस इज़ अ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, ये है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है। उसके जो गैर कार्यकारी अध्यक्ष है यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है वो है उदय कोटक, आपको ध्यान रखना है। जी मुरलीधर कौन है, इसके प्रबंधक निदेशक, और इसके नॉन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जो है वो है गैर जो जो है उदय कोटक। इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो हुई थी 2001 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई के अंदर। गाइस देखो आप स्क्रीनशॉट लेते ना साथ के साथ, बजाज लाइफ इंश्योरेंस का करंट MD और CEO कौन है, वो है तरुण चुग, और कंपनी बजाज फिनोर्स लिमिटेड और अलायंस से यूरोप के बीच एक संयुक्त उद्गम है, यानी कि जॉइंट वेंचर है इनका भी, ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, इन कंपनी आपस में जो है कामकाज करती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो है बजाज फिनसर्व लिमिटेड और अलायंस, ठीक है, तो इनके बीच में है। हेडक्वार्टर इनका है पुणे में, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा का कौन सा बुनियादी सिद्धांत परिभाषित करता है कि बीमा कंपनी बीमा धारकों को वास्तविक हानि राशि तक क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है। विच बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस डिफाइंस दैट द इंश्योरेंस कंपनी इज लाइबल टू कंपेंसेट द इंजर्ड टिल द
एक्चुअल लॉस अमाउंट, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, यह सभी सामान्य बीमा अनुबंधों पर लागू होता है, लेकिन जीवन बीमा के मामले में यह लागू नहीं होता। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि क्षतिपूर्ति का सिद्धांत किस सिद्धांत पर लागू नहीं होता है, तो ये किस पर नहीं होता है, जीवन बीमा के मामले में ये लागू नहीं होता है। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन से कुछ इनके आंसर भी मैं आपको बता रहा हूँ। म्यूचुअल फंड द्वारा संकलित धन को कहाँ निवेश किया जाता है, ठीक है, वेयर इज द मनी कंपाइल्ड बाय द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड, पूंजी बाजार के साधन जैसे ऋण पात्र और अन्य प्रतिभूतियां, इनके अंदर इसका क्या किया जाता है, संकलित किया जाता है, निवेश किया जाता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड मुद्रा प्रबंधकों द्वारा संचालित किया जाता है जो फंड्स का पूंजी निवेश करते हैं और फंड के निवेशकों के लिए पूंजीगत लाभ और आय के उत्पादन का प्रयास करते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बीमा अनुबंधों में बीमा योग्य हित के सिद्धांत को सही ढंग से परिभाषित करता है। जो इसका अनुबंध है वो है, एक व्यक्ति के लिए किसी चीज़ में बीमा योग्य हित कहा जाता है जब उस चीज़ को नुकसान या क्षति व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है। बीमा योग्य बजाज का सिद्धांत बीमा के सभी अनुबंधों पर लागू होता है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ MSS, MSS की फुल फॉर्म है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, बाजार स्थिरीकरण स्कीम। RBI द्वारा सरकारी ब्रांड बेचकर अतिरिक्त तरलता या धन आपूर्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए बाजार स्थिरीकरण योजना MMS को मौद्रिक नीति के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो इसका आप इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं। तो इसकी MSS की फुल फॉर्म है और इसके बारे में थोड़ा सा मैंने डिस्क्रिप्शन इसका बताया है। कौन सी बीमा पॉलिसी मुख्य रूप से निम्न आय वाले समूह के लोगों के लिए है, ठीक है, तो है माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी। ये कि जो निम्न लोग होते हैं, यानी कि जो थोड़े गरीब लोग होते हैं, उनके लिए जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कौन सी है, माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, माइक्रो बीमा समाज में कम आय वाले समूह के लोगों के लिए है। प्रीमियम सामान्य बीमा पॉलिसियों की तुलना अपेक्षाकृत कम है। माइक्रो बीमा के तहत पॉलिसियों के अन्य नियम और शर्तें सामान्य बीमा पॉलिसी के समान होते हैं। बीमा परिषद बीमा अधिनियम 1938 की धारा किसके तहत बनाई गई थी, ठीक है, तो इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे गाइस आपके ट्रस्ट में। तो बीमा परिषद 1938 की धारा किसके तहत बनाई गई थी, तो वो बनाई थी एक्ट 64C, ठीक है, इसके तहत बनाई गई थी। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि बीमा परिषद में बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64C के तहत बनाई गई लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल के सदस्य शामिल हैं। बीमा परिषद के शासकीय निकाय में बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि होते हैं। देखो गाइस, आई नो कि आपको कुछ लोगों को इसकी लैंग्वेज जो है नहीं समझ आ रही होगी, क्योंकि इंश्योरेंस जो सेक्टर है ये, इसमें कुछ लैंग्वेज ऐसी ही यूज़ की जाती है जो कि यार मेरे भी खुद समझ नहीं आते, क्योंकि मैं भी जो हूँ इसका स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आई एम स्टिल जस्ट मेकिंग दिस वीडियो एंड ट्राई टू टीच यू। तो गाइस बस आप थोड़ा सा समझना इस वीडियो को, आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम किसको ऋण प्रदान करता है, ठीक है, ये किसका करता है, सार्वजनिक या निजी या संयुक्त क्षेत्र या सहकारी क्षेत्र के संयुक्त भंडारण कंपनियों को, ठीक है, किसको करता है, सार्वजनिक निजी या संयुक्त क्षेत्र सहकारी क्षेत्र के संयुक्त भंडारण कंपनियों को। IFCI को केवल उन कंपनियों को ऋण देने के लिए अधिकृत किया गया है जो विनिर्माण, खनन, परिवहन और बिजली उत्पादन और वितरण उद्योग में लगे हुए हैं। ठीक है गाइस, ये उनको क्या है, ऋण प्रदान करता है। यदि माल की एक छोटी मात्रा बीमित की जानी हो तो निम्नलिखित समुद्री बीमा सुरक्षा में से किसका चयन किया जाना चाहिए, ठीक है, तो इसका है टाइम पॉलिसी, समय पॉलिसी। ठीक है, यदि माल की एक छोटी मात्रा बीमित की जानी है, ठीक है, कोई माल है, कोई भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी मात्रा का इंश्योरेंस की जानी है, तो उसकी निम्नलिखित समुद्री बीमा सुरक्षा में से किसका चयन किया जाए, तो कौन सा उस पर इंश्योरेंस पॉलिसी लगेगा, तो उस पर लगेगा टाइम पॉलिसी। भारत में पहले जीवन बीमा कंपनी ओरिएंटल जीवन बीमा कंपनी किस वर्ष कलकत्ता में स्थापित की गई थी। देखो, मैंने आपसे क्वेश्चन ये पहले भी पूछा था और ये क्वेश्चन भी देखो मैंने अभी फाइंड किया है, तो मैंने इसको आपको बता दिया, 1818 में, ठीक है, ये कब हुई थी, कलकत्ता में 1818 में। सामान्य बीमा कारोबार 1850 में कलकत्ता में ट्राइटन बीमा कंपनी लिमिटेड के रूप में भारत आया था। ठीक है, ध्यान रखना आपको, 1850 में सामान्य बीमा कारोबार जो था 1850 में कलकत्ता में ट्राइटन बीमा कंपनी लिमिटेड के रूप में भारत में आया था। नेक्स्ट है, कौन सी जीवन बीमा पॉलिसी जिसमें राशि केवल पॉलिसी धारकों की मृत्यु पर देय होती है, ठीक है, तो वो कौन सी पॉलिसी होती है, वो होती है लाइफ टाइम पॉलिसी। इसका मैंने जो है ट्रांसलेशन भी इसका किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीवन बीमा कारोबार को किस वर्ष में राष्ट्रीयकृत किया गया। देखो, ये क्वेश्चन भी मैंने लास्ट टाइम आपको प्रोवाइड कराया था, तो इसका जो राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइज जो इसका किया था, वो किया था 1956 में। जीवन बीमा अधिनियम 19 जून 1956 को पारित किया गया
और इसको 1 सितंबर 1956 को स्थापित किया गया। ठीक है गाइस, ये आपने मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने ये क्वेश्चन देखे होंगे, तो ये क्वेश्चन जो है वहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, डेफरमेंट ऑफ दी का क्या अर्थ होता है? डेफरमेंट ऑफ दी, तो व्हाट डज डेफरमेंट पीरियड मीन? बीमा सह पेंशन पॉलिसी की सदस्यता की तारीख और पेंशन की पहली किस्त प्राप्त होने के समय की बीच की अवधि को कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपने पॉलिसी जो है वो कराई है, उसको उसकी आपने यानी कि उसकी पेमेंट आपने की है, फिर साथ में आपकी पेंशन की जो किस्त आप दे रहे हैं उसकी उसकी जो बीच का डिस्टेंस होता है, डिफरेंस होता है, उसी को क्या बोलते हैं? डेफरमेंट बोलते हैं। देखा इस कैसे कैसे क्वेश्चन मैंने आपके लिए फाइंड किए। नेक्स्ट है, किसके साथ आर्थिक वृद्धि संयोजित होती है? किसके साथ आर्थिक वृद्धि संयोजित होती है? विद होम डज इकोनॉमिक ग्रोथ कंबाइन, तो वो होती है मुद्रास्फीति। आपने पढ़ा होगा मुद्रास्फीति या मुद्रास्फरण, जो भी जो ऐसे शब्द होते हैं, इनको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। यदि एक अर्थव्यवस्था में सकल मांग सकल आपूर्ति की तुलना में तेजी से प्रसारित होती है, तो हम उच्च मुद्रास्फीति की ड्रॉ को देखने की उम्मीद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो इनका जॉइंट वेंचर था यानी कि इनकी जो सहभागी कंपनियां थी वो किसके साथ थी, जो फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी थी वो किसके साथ थी? तो वो थी बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक एंड लीगल एंड जनरल कंपनी। ठीक है, इनके साथ थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड NICL का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कलकत्ता में। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1906 के अंदर। वर्क ऑफ PDS, PDS की फुल फॉर्म होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली। PDS भारत के गरीबों के लिए है। ठीक है, रियायती भोजन और गैर खाद्य वस्तुओं को वितरण करते हैं। यह विभिन्न वस्तुओं को खुले बाजार मूल्यों को नियंत्रित नहीं करता, और जो ये मैंने बताया है, यह विभिन्न वस्तुओं को खुले बाजार मूल्यों को नियंत्रित नहीं करता है, यानी कि ये जो है इसके काम नहीं है। इसके दो लास्ट मैंने आपको बताया कि इसके क्या काम नहीं है और ये क्या करता है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, जो PDS है वो किसके लिए है? जो गरीब लोग हैं, जो निम्न स्तर के लोग हैं, उनके लिए है PDS। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्लैंकेट इंश्योरेंस मीनिंग। ठीक है, ब्लैंकेट इंश्योरेंस मीनिंग का मतलब क्या होता है? तो ब्लैंकेट इंश्योरेंस जो है वो होता है कि एक ही स्थान पर एक ही संपत्ति को कवर करने के लिए एक ही पॉलिसी होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ब्लैंकेट, या फिर एक ही स्थान पर एक से अधिक प्रकार की संपत्ति को कवर करती है। ठीक है, या फिर क्या होता है, एक से अधिक स्थान पर एक ही तरह की संपत्ति, या फिर दो या उससे अधिक स्थानों पर दो या दो से अधिक प्रकार की संपत्ति को कवर करती है, जिसका मतलब क्या होता है? ब्लैंकेट इंश्योरेंस। ठीक है, ब्लैंकेट इंश्योरेंस के अंडर जो है वो आती है। नेक्स्ट है, भारत की बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण किस समिति की सिफारिशों के अनुसार आया था? तो यह आया था आरएन मल्होत्रा समिति, और इस समिति के अंदर क्या था कि आरएन मल्होत्रा समिति को 1993 में नियुक्त किया गया था ताकि भारत में बीमा क्षेत्र को विकसित किया जा सके। ठीक है गाइस, और अभी भी जो वर्क कर रही है भारत की बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण समिति जो है, ये वर्क कर रही है किसके लिए कर रही है? ये बीमा क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए ही कार्य कर रही है। इसका जो विजन और मिशन है वो यही है। इस समिति को भारत में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के गठन की सिफारिश की, जो 2000 में आई थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी सरकार ने पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के कवरेज को विस्तार करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो वो शुरू की है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। ठीक है गाइस, ये भी हाल ही का करंट का क्वेश्चन है। इसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन आपका जो है गलत नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है। नेक्स्ट है, इस योजना में सरकारी कर्मचारियों के अलावा पेशेवरों PLI को भी कवर करेंगे। जो ये योजना है इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस योजना में सरकारी कर्मचारियों के अलावा पेशेवरों PLI को भी कवर करेंगे। इस योजना के तहत देश के प्रत्येक राजस्व जिलों में कम से कम एक गांव यानी कि 100 मकान की पहचान की जाएगी। ठीक है, इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है? संचार मंत्री श्री मनोज सिन्हा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में म्यूचुअल फंडों की प्रविष्टि की शुरुआत की? तो वो की थी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत की एक वित्तीय संगठन है। इसे 30 दिसंबर 1963 को कर्नल आकाश बहल के निर्देशन के तहत UTI अधिनियम द्वारा बनाया गया था। तो आपको देखो, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैं आपको बीच में बता रहा हूँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनसे भी क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। वैसे मैंने नाम के सिर्फ 25 क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर से आप अगर देखें तो 50 या 100 से ऊपर क्वेश्चन जो है बन रहे हैं। IBNR बीमा उद्योग में एक लोकप्रिय शब्द है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? IBNR इसकी है Incurred but not reported, इसका जो मतलब है। ठीक है, IBNR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRDA ने भारत में बीमा भंडार सेवाओं को कब शुरू किया? तो वो किया था 16 सितंबर 2013 को।
तो जैसे कि 25 क्वेश्चन जो है गाइस खत्म होते हैं, और आज की वीडियो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो प्लीज़ आप उसे रिवाइंड करके फिर से आप देख सकते हैं उसको, ठीक है, बार बार देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है गाइस। और आज का जो एम आपको बताइए कि यार 60 लाख तो यार बस दे ही देना यार, बस इतना तो आप दुआ कर ही देना कि यार बस 60 लाख जो है मिल ही जाए, ठीक है गाइस। तो यार चलो ज़्यादा की बात नहीं करते, वीडियो को ख़त्म करते हैं, और ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो आती रहेंगी, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।